हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? देखियो देखियो देखो, होता है होता है, ऐसे ही सुबह से काम करते करते ऐसी हालत हो जाती है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ पेपर भिंडी मसाला। देखिए, ये मैं भिंडी को ऐसे फ्राई कर रही हूँ, ठीक है? मैंने 250 भिंडी ली है, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ फिलहाल। और भिंडी के साथ मैं ये जो, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, पेटल्स, ओनियन के पेटल्स भी फ्राई करना है। मैंने थोड़ी सी भिंडी फ्राई कर ली है, इसको क्रिस्पी कर दिया है, थोड़ी भिंडी फ्राई हो रही है। अब देखते हैं, एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने भी कहीं से देखा है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे अच्छी लगी रेसिपी तो मैं बना के देख रही हूँ, तो अगर ये अच्छी होगी तो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है? अभी इसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, चल तब तक के लिए आराम करो। अब हम थोड़ा सा इसका मसाला बनाएंगे, भिंडी पेपर मसाला। तो पेपर तो बनता है, आधा चम्मच पेपर चाहिए हमको पाउडर बनाने के लिए, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, शायद 12 भी होंगे इसमें, अंदर गिनती में थोड़ा प्रॉब्लम मेरे। और इसके बाद हम डालेंगे 2 इलायची, ठीक है? चलो मैं 3 डाल देती हूँ, नहीं 2 सही है, 2 इलायची भी डाल दें। अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे, ठीक है? इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है और हम इसका फिर पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने प्याज के पेटल्स भी डाल दिए, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। क्या खुशबू आ रही है! देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये स्पाइसी होने वाला है, ठीक है? अब हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल गरम हो गया हो तो इस पर हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, जब तक ये जीरा चटका पटका अपना आवाज़ नहीं देता, इसको तब तक होने दीजिए। ओके, अब इसमें हम डालेंगे 2 लाल मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच हींग। अब इसको थोड़ा स्मेल आने तक बुनिए, इसको अच्छे से स्मेल आने तक बुनिए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने तैयार की थी वो प्यूरी। वाओ, क्या खुशबू आ रही है! नाइस। बहुत सही लग रहा है, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, थोड़े थोड़े हल्दी, आधा चम्मच हरी मिर्च, अच्छे से मिलाइए। तो तब तक मिलाइए जब तक हल्दी का स्मेल नहीं जाता इसमें से। तब तक हम टमाटर की प्यूरी रेडी कर लेते हैं, वैसे तो आप कच्चा टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें नमक स्वाद अनुसार, ये टमाटर प्यूरी मैंने रेडी कर दिया है, इसको इसमें डाल देंगे हम। देखिए, ये हमारा पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें, हमने भिंडी फ्राई की थी और जो वो प्याज के पेटल्स हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। डाल तो देंगे, है कहाँ? ओके, सबको हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से।
दिखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पानी वानी डालना नहीं है, हमको भुनी हुई भिंडी बनानी है, ड्राई भिंडी ही बनानी है ये। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, सही एकदम यमी यमी लग रहा है एकदम। भिंडी पेपर मसाला, इसको हम थोड़ी देर मतलब एक दो मिनट तक इसको हम अभी इसे पकने देंगे, पकने के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा और। ओके सो मेरा ये भिंडी पेपर मसाला बनके रेडी हो गया है। इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ खाना है वो आपकी मर्ज़ी है, चावल के साथ भी खाना है तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई, मैंने अभी टेस्ट किया, इट्स सो 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 यमी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आलू भी फ्राई करके डाल दूँ, और सब में आलू मिक्स करना ज़रूरी भी नहीं है, राइट। तो खाली भिंडी खाओ अभी, ठीक है। ये थी बिंदिया की रसोई से भिंडी पेपर मसाला, बहुत सही बना है, और मैं बनाऊँ तो मतलब ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ किसी और की, पर मैं आप तक लेके आऊँगी। अभी किसकी रेसिपी, सीरियसली आई डोंट नो, मैंने कहीं देखा था तो मुझे याद है तो मैंने बना दिया। और अगर वो मेरा देख रहे हैं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, ये आपकी ही रेसिपी है, मुझे आपका नाम नहीं पता है, तो ये सारे क्रेडिट आपको जाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हर नेम, शी इज़ अ लेडी ऑब्वियसली। तो ठीक है, हम बाद में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा, टेक केयर।